नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में डेंगू दे चुका है अपनी दस्तक। भारत के कुछ हिस्सों में और दिल्ली में ऐसे 30 मामले आ चुके हैं और ये कहीं न कहीं वार्निंग है कि संभल जाएं, डेंगू से बचने के उपाय करना शुरू कर दें। और आपको पता ही होगा कि डेंगू की बीमारी जल्द ही महामारी का रूप ले लेती है और एक के बाद एक मामले सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो हम अगर डेंगू से पहले ही सचेत हो जाएं, तो डेंगू होने की संभावना कम हो जाती है। चलिए तो पहले आपको बता दें कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर कैसा होता है। डेंगू की बीमारी संक्रमित मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है। यह ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानी जाती है और काफी दर्दनाक और दुर्बल करने वाली बीमारी है। इसके लक्षण मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन के बाद दिखते हैं। ज्यादातर ये मच्छर सुबह या शाम में ही काटते हैं और संक्रमण फैलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दिन में नहीं काटते, लेकिन बहुत कम मात्रा में काटते हैं। डेंगू मच्छर जो वायरस फैलाता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक मनुष्य के लिए ही है, किसी और के मुकाबले। डेंगू फैलाने वाला मादा मच्छर जैसे ही मनुष्य के शरीर से ब्लड चूसता है, उसी वक्त लो डेंगू के वायरस छोड़ता है और शुरुआती 2 से 10 दिनों के अंदर ये पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। डेंगू की बीमारी एक शरीर से दूसरे शरीर में इन्फेक्टेड ब्लड के चढ़ाने से भी ट्रांसफर हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ से अपने बच्चे को भी डेंगू के ट्रांसफर होने के कई केस देखे गए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। ठंड के साथ अचानक तेज बुखार चढ़ना, सिर मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होना, अत्यधिक कमजोरी लगना, भूख में बेहद कमी तथा जी मिचलाना, मुंह का स्वाद खराब होना, गले में हल्का सा दर्द होना। रोगी बेहद दुखी व बीमार महसूस करता है। शरीर पर लाल गुलाबी ददोरे निकल सकते हैं। चेहरे, गर्दन तथा छाती पर विसरित दानों की तरह के ददोरे हो सकते हैं। बाद में ये ददोरे और भी अस्पष्ट हो जाते हैं। ददोरे को स्किन रैशेस भी कहते हैं। तो आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं डेंगू फैलाने वाली मादा मच्छर से। डेंगू फैलाने वाला मच्छर आपके आसपास रखी चीजों में अपना अंडा देता है जहां पानी भरा हो, जैसे फ्लावरपॉट, गमले या फिर जिसमें पानी भरा जाता हो। डेंगू फैलाने वाले मच्छर ऐसी जगहों पर अंडे इसलिए देते हैं ताकि वो मनुष्य के आसपास रह सके। इससे एक बात तो साफ होती है कि आपको अपने आसपास पानी छोड़ना ही नहीं है। मजबूरी हो तो पानी को हर 2 दिन में बदलते रहें ताकि वो मच्छर अंडे न दे पाए और अंडा मच्छर न बन पाए। आइए आपको बताते हैं कि आप डेंगू से कैसे बच पा सकते हैं। सुबह और शाम को घर में ही रहें, पूरे बाजू के यानी फुल स्लीव के ही कपड़े पहनें, बच्चों को सुबह को और शाम को घूमने न जाने दें, आसपास की किसी भी जगह पर पानी जमा न होने दें। अगर पानी साफ करना मुमकिन न हो तो उस पानी में केरोसिन तेल डालते रहें। शुरुआत में आपको मच्छर काटने के बाद 1 या 2 दिन तक कुछ महसूस नहीं होगा। 2 से 8 दिन के अंदर इसके सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। रोगी को बुखार, दर्द एवं शरीर में हरारत महसूस होनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप तुरंत अपने खून की जाँच करा लें और उपचार लेना शुरू कर दें। डेंगू की बीमारी से प्लेटलेट्स की संख्या घटनी शुरू हो जाती है। इसके तेजी से कम होने के कारण कभी कभी रोगी की मौत भी हो जाती है, इसलिए तुरंत उपचार कराने के साथ साथ अधिक मात्रा में लिक्विड पीना शुरू कर देना चाहिए, जैसे जूस और नारियल पानी। साथ में कीवी जैसे फलों को भी खाते रहना चाहिए। डेंगू हो जाता है तो क्या क्या सावधानियां बरतें? पैरासीटामॉल की गोली या शरबत लेकर बुखार को कम रखिए। रोगी को डिस्प्रिन, एस्प्रिन कभी न दें। यदि बुखार 102 डिग्री का से अधिक हो तो बुखार को कम करने के लिए हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा का प्रयोग करें। रोगी को लगातार नारियल पानी देते रहें। बकरी के कच्चे दूध से भी डेंगू में बहुत फायदा होता है। डेंगू होने पर तुरंत अस्पताल जाएं, डॉक्टर से इलाज कराएं, क्योंकि डेंगू में लापरवाही रोगी को ज्यादा परेशानी दे सकता है। तो ये थे डेंगू से सचेत रहने के उपाय, और अगर आप ये सावधानियां रखेंगे तो डेंगू होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में दिए गए सारे उपाय बड़े बड़े वैद्यों या आयुर्वेदाचार्यों
एवं डॉक्टर के परामर्श के बाद ही दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।